लगातार बढ़ने वाला मनी मेकिंग बिजनेस है और ब्रेड भी उन चुनिंदा आइटम्स में से एक है। फ्रेशली बेक्ड ब्रेड और इनकी फ्रेग्रेंस लोगों को खूब भा रही है और साथ ही इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू भी काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तभी तो ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेड को किसी न किसी रूप में परोसा जाता है। ब्रेड का उपयोग भारत में कई डिलीशियस डिशेस को बनाने में किया जाता है। ये एक डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड मार्केट में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रेड मेकिंग बिजनेस आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। तो आज IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए लेकर आया है ब्रेड मेकिंग बिजनेस से जुड़ी ये इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसमें आज हम आपको ब्रेड बनाने के पूरे प्रोसेस से रूबरू करवाएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप भी इसका बिजनेस शुरू करके मुनाफा कमा सकते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है अग्रवाल बेकर्स के प्रोडक्शन मैनेजर, जिनका नाम है मिस्टर प्रणय शंकर, जो यहाँ पे ब्रेड का पूरा प्रोडक्शन देखते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि ब्रेड को किस तरह से बनाया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। सर, वेलकम टू IID। थैंक यू मैम। मैं चाहती हूँ कि आप, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे सारे रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा किया हुआ है और यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की वेइंग की जा रही है, तो इसका क्या पर्पस है? ये पहला स्टेप है ब्रेड बनाने का? ये हमारा पहला इनिशियल प्रोसेस है जिसपे हम सारी रॉ मटेरियल को वेइंग करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रेसिपी होती है हमारी वेबसाइट, उस पर वेइंग करते हैं। इससे पहले की प्रोसेस है सीविंग, जिसमें कि हम अलग अलग स्टैंडर्ड पे उसको अलग अलग रॉ मटेरियल को सीव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है सारी मटेरियल और इसको अकॉर्डिंग टू जो हमारी रेसिपी होती है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वेइंग करके एक एक बैच की अलग अलग बनाते हैं इसको। ये रेसिपी हमारी वेइंग हो रही है। सर, अगर रॉ मटेरियल्स की बात करें तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? मैम, रॉ मटेरियल की बात करूँ अगर ब्रेड बनाने के प्रोसेस में, तो जो बेसिक मटेरियल रॉ मटेरियल होती है वो होती है मैदा होती है, और आटा की अगर ब्राउन की बात करें तो आटा होती है, फिर शुगर होती है, फिर सॉल्ट होती है और ईस्ट होती है। ये बेसिक मटेरियल है जो कि कई मतलब पूरे बेकरी के स्टैंडर्ड होती है। उसके बाद की जितनी भी रॉ मटेरियल है वो अकॉर्डिंग टू रेसिपी होती है, उसको क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए होती है। और सर, मैं अभी यहाँ पे देखा कि ईस्ट भी उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? ईस्ट का हमारा बहुत बड़ा रोल है बेकरी सेक्शन में, ईस्ट की प्रूविंग में काम आती है। एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, चेन रिएक्शन होती है, उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, इसके कारण से हमारी ब्रेड की प्रूविंग होती है। तो वो आगे की प्रोसेस में आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, जो कि आप प्रोपर पे आएंगे पर इस पे क्या रिएक्शन होती है और क्यों इतना इंपॉर्टेंस है इसका। सर, रॉ मटेरियल जो है उसकी आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? सारी रॉ मटेरियल हमारे नीचे आती है, फिर उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसकी टेस्टिंग करते हैं सारी रॉ मटेरियल को, फिर तो अगर ओके होती है तो फिर नीचे आप मतलब हमारे आती है फ्लोर पे, फिर जाके हम उसको यहाँ पे सीव करते हैं, फिर यहाँ अलग अलग CCPs बने हुए हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जहाँ पे वहाँ चेक होके बाद फिर आती है हमारे फ्लोर पे, फिर हम इसको यूज़ करते हैं। सर, जैसे कि ये शुगर है, ये काफ़ी ज़्यादा फाइन क्वालिटी में लग रही है, तो इस शुगर का क्या नाम है, इसका मतलब क्वालिटी के बारे में आप कुछ बताइए। ये मैम रिफाइंड क्रिस्टल शुगर कहते हैं इसको, वाइट शुगर आती है जो रिफाइंड क्रिस्टल शुगर है वही यूज़ करते हैं हम लोग। तो सर, अगला स्टेप कौन सा होता है? अगला स्टेप हमारी होती है मिक्सिंग की। ये हमारे पास दो टाइप की मिक्सिंग है यहाँ पे, ये हाई स्पीड मिक्सिंग कहलाती है और ये स्पाइरल टाइप मिक्सिंग है। बेकरी में यूज होने वाली स्पेसिफिक मशीन, इसकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन ये सारी बताती है, एम्पियर कितनी लेती है, कितनी रहती है, और मिक्सिंग दो मिक्सिंग में अच्छी मिक्सर मानी जाती है ब्रेड बेकरी लाइन में। बनाने के अगले प्रोसेस की तरफ, इससे पहले अभी आपने देखा था कि मिक्सिंग की गई थी, वहाँ पर सारे रॉ मटेरियल्स की अच्छे से मिक्सिंग की गई और उनका डो तैयार किया गया। तो आइए आप सर से ही जानते हैं कि अगला स्टेप क्या है और इस मशीन का क्या रोल है। ये हमारा है डिवाइडर, इसको बोलते हैं डिवाइडर। ये अलग अलग पॉकेट क्या साइज की अलग अलग आती है, पॉकेट की 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पॉकेट साइज, मतलब एक टाइम पे एक स्टॉक पे इतनी डो की आपकी वो देगी पीसेस, डिवाइडर में क्या हम वेट सेट कर सकते हैं, इसकी अलग अलग वेट सेट होती है अकॉर्डिंग टू FG हमारी जितनी चाहिए होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी
डो की वेट सेट करते हैं, स्पेशली वेट के हिसाब से हमारी सारी वो पैकेजिंग होगी, जितने एफजी की डिक्लेरेशन होती है उसके कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से हम इसकी डिवाइडिंग करते हैं। सर जैसा कि अभी हमने देखा था कि डो जब तैयार हो गया था तो इसके अंदर डाला गया था, तो अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है? ये कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से मैंने देखा कि यहाँ पे पूरा डो छोटे छोटे पीसेस में बन के जा रहा था। ये वही है, हम अपने अकॉर्डिंग वेट के हिसाब से इसकी सेट करते हैं, उसकी वेट की वेट सेट होती है, फिर ये डिवाइड कर देती है उस पूरी मिक्सर को उस डिवाइडिंग वेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये हमारी कन्वेयर से आगे जाती है और आगे की प्रोसेस में हमारी मोल्डिंग की प्रोसेस आती है। डिवाइडिंग प्रोसेस हो गई और इसमें मोल्डिंग की प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या, हम एक तो वेट के हिसाब से डिवाइड कर दिए, उसके बाद उसकी पॉकेट के हिसाब से मोल्ड करते हैं। तो डिवाइडर के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पे मोल्डिंग मशीन पर, तो सर से जानते हैं कि इस मशीन का क्या रोल है और डो को किस तरह से मोल्ड करती है ये मशीन। इधर से डिवाइडिंग होके आती है कन्वेयर के थ्रू, इस पे आती है, ये रोलर के थ्रू नीचे आती है। ये क्या करती है, एक्स्ट्रा एयर जो रहती है अंदर में वो बाहर निकाल देती है, इसे प्रेस करती है, रोल प्रेस होती जाती है और इसे बाहर आती है। फिर ये आती है अपर और नीचे कन्वेयर, इस पे दो कन्वेयर चलती है मोल्डर पे, अपर और नीचे। ये क्या, इसको रोल करती है, रोल करते जाती है, फिर रोल करके अकॉर्डिंग टू जो हमारे जितनी भी पॉकेट की साइज होती है अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से इसको सेट करके हम इसको मोल्डिंग करते हैं, मोल्ड करते हैं। तो आप सर से जानते हैं कि ऑयलिंग क्यों की जाती है इन सांचों में, इसका क्या पर्पस होता है? मोल्ड में ऑयलिंग एक एसेंशियल प्रोसेस है। इसमें क्या होती है, हमारी जो भी बेकिंग आफ्टर बेकिंग जो भी ब्रेड निकलती है मोल्ड में चिपक ना जाए, हमारे शेप साइज में कुछ अल्टरेशन ना हो, अच्छे से बेक बाहर आ जाए, डिफाइन हो जाए, इसलिए हम इसको ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड, एक एसेंशियल प्रोसेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन सांचों में डो को डाल दिया गया है और ये कन्वेयर चेन की हेल्प से प्रूफिंग के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं। तो सर से जानते हैं कि प्रूफिंग की प्रक्रिया एक्चुअली होती क्या है, प्रूफिंग से क्या होता है? ये एक रिएक्शन प्रोसेस होती है, ईस्ट जब डलती है तो इसके साथ में रिएक्शन होती है। ये इसकी अभी साइज आप देख लो, इतनी साइज आ रही है, ये अभी इसमें रिएक्शन होगी और ये साइज इसकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, एक घंटे की प्रोसेस होगी, ऑलमोस्ट डबल साइज होगी, फिर हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पे डो की प्रूफिंग की जा रही है, ये प्रूफिंग लगभग एक घंटे तक चलती है और इस तरफ हो रही है बेकिंग। इधर बेकिंग जो की जाती है वो भी लगभग एक घंटे तक चलती है, डो को अच्छे से बेक किया जाता है। बेक होने के बाद आपकी ब्रेड पूरी तरह से तैयार हो जाती है। गरम ताजा ब्रेड जो है वो अवन से बाहर आ चुकी है, अब ये पूरी तरह से बेक हो चुकी है और अब अगले प्रोसेस के लिए ये जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब अगला प्रोसेस जो है वो है कूलिंग का, इन ब्रेड्स को अब कूल किया जाएगा ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए और इनकी स्लाइसिंग इजीली हो जाए। तो चलिए आइए आपको लेकर चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। कूल होकर बाहर आ चुकी है, अब कूलिंग के बाद जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ स्लाइसिंग की जा रही है। ये स्लाइसिंग मशीन है, यहाँ पर ब्रेड की स्लाइसिंग हो रही है और यहाँ इस एरिया में ब्रेड की पैकेजिंग की जा रही है। तो अब ये ब्रेड पैक होने के बाद मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज आपने जाना ब्रेकफास्ट टेबल पर हर वक्त मौजूद रहने वाली ब्रेड को आखिरकार बनाया कैसे जाता है और साथ ही इसका बिजनेस किस तरह से शुरू किया जाता है। तो आज IAD के इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री से यकीनन आपको इस बिजनेस से रिलेटेड सारी जरूरी जानकारी तो मिल ही गई होगी। लेकिन अगर आप इस बिजनेस से रिलेटेड या फिर किसी और बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी हमसे चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऐप Entrepreneur India Live को भी डाउनलोड कीजिएगा और साथ ही आप हमारे चैनल Entrepreneur India TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए तो आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।